हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्जी, जिसमें आलू, प्याज, मटर, बीन्स, गाजर, मूली, बैंगन, और वैसे तो पालक डालते हैं, लेकिन आज मैं इसमें मूली का साग यानी कि मूली का पत्ता डाल के बनाऊंगी। थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं आज, देखते हैं कैसा बनता है। तो तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा। देखिए, जीरा डाल चुकी हूँ मैं। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब डालूंगी हरा मिर्च। और अब ये ब्राउन हो चुका है हरा मिर्च, अब एक प्याज डालूंगी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। चलिए, तो हल्का ब्राउन हो चुका है हमारा अनियन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्जी, ऑलरेडी मैंने काट के धो के रखा है। तो देखिए, बैंगन है, आलू है, हरा मटर, गाजर, मूली, बीन्स, सब मिक्स है इसमें। फ्राई करेंगे और ये देखिए, सिवान सर उसके पापा आ चुके हैं। ये लोग गए थे पोलियो ड्रॉप्स अनाउंस हो रहा था उसका डेट पता करने, और यहाँ पे आया है दूध। आज सुबह दूध आया था, 1 लीटर जो ख़त्म हो चुका है, तो फिर से दूध आया है। और सिवांश बाइक पे घूम के आ रहा है, अब तो आराम से बाइक पे बैठ जाता है और घूमने का मज़ा ले रहा है। बाइक पे घूम के आया है, खुश है। तो ये देखिए सिवांश, मुझे पता नहीं था लेकिन ये पोलियो ड्रॉप्स पी के आ गया है। ये देखिए निशान, हम लोग को डेट पता नहीं था, वो तो डेट पता करने गए थे लेकिन आज ही पिला दिया गया। और ये देखिए, सब्जी जो है वो जा चुका है अच्छे से, अब ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 8 से 10 लहसुन का कुटा हुआ, देखिए कुटा हुआ लहसुन 8 से 10 कलियाँ मैंने लिया है। अच्छे से चला लेंगे और साथ ही साथ मसाले भी ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले हल्दी पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और ये रहा मिक्स मसाला, हींग, गरम मसाला, सब इसमें मिक्स है। और थोड़ा मसाला डालूंगी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डालूंगी, और लास्ट में ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार, और नमक लगेगा। तो चलिए, हो चुका है, अच्छे से फ्राई करूंगी सबको। और ये देखिए मसाले में और लहसुन जो मैंने डाला था अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मूली का पत्ता, काट के धो लिया है मैंने। वैसे तो इसमें पालक डालती हूँ मैं, लेकिन आज मेरे पास मूली का पत्ता था तो मैंने सोचा इसी के साथ आज ट्राई करके देखते हैं कैसा बनता है। और ये वाली सब्जी जो है मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैंने सोचा इसी सब्जी में थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं मूली पत्ता के साथ। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको,
दो तीन मिनट तक मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इसको भी थोड़ा सा भून के इसमें ऐड करूंगी मैं पानी। चलिए थोड़ा सा ही मैंने भूजा है क्योंकि और पानी डाल के सिझाऊंगी, उसमें हमारा टमाटर गल जाएगा। थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड कर लिया है और अब इसको ढक दूंगी पकाने के लिए। ढक रही हूँ, बीच बीच में चेक करते रहेंगे पका कि नहीं। चलिए तो चेक कर लेते हैं हमारा सब्जी हुआ है कि नहीं। देखिए तो ऑलमोस्ट हो गया है, छू के देखेंगे तो हमारा सब्जी जो है पक चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पत्ता। पॉटी किया तो देखिए धनिया पत्ता मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। धुआं की वजह से क्लियर नहीं शो हो रहा। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।